हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टोन मेसनरी के लिए रेट एनालिसिस किस स्टेप से करते हैं और स्टोन मेसनरी में जो हमको मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्वांटिटी हम किस स्टेप से कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब फॉर रेंडम रबल मेसनरी इन सीमेंट मोर्टार 1:6। प्रिपेयर रेट एनालिसिस आल्सो फॉर मटेरियल्स एंड लेबर्स विथ एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो हमें स्टोन मेसनरी दिए, उसका वॉल्यूम कितना दिया है 10 मीटर क्यूब, और वहाँ पे कौन सी है रैंडम रबल मेसनरी जो कि स्टोन मेसनरी का एक टाइप है, और वहाँ पे जो मोर्टार यूज़ हो रहा है वो कौन सा है सीमेंट मोर्टार, उसका रेशो क्या दिया है 1:6। तो यहाँ 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सीमेंट के लिए, और 6 सैंड के लिए। तो हमारे पास इतना गिवन डाटा, इसकी हेल्प से हमको क्या मिलेगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो हमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे स्टोन मेसनरी में, स्टोन और सीमेंट और सैंड। तो हमें 3 मटेरियल्स हमको कैलकुलेट करनी है इनकी क्वांटिटी, और फिर क्या करना है हमको रेट एनालिसिस भी प्रिपेयर करना है। तो हम रेट एनालिसिस किसके लिए बनाएंगे, जो मटेरियल्स हमको रिक्वायर्ड है उनके लिए, और जो लेबर्स इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे वर्क करने के लिए उनके लिए रेट एनालिसिस भी हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है 10 मीटर क्यूब, सीमेंट मोर्टार रेशो क्या है 1:6 का। तो सबसे पहले हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टोन इंक्लूडिंग थ्रू स्टोन्स, थ्रू स्टोन्स को हेडर्स भी बोलते हैं, एंड वेस्टेज। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे पास जो स्टोन्स रहेंगे उसमें कुछ वेस्ट आएगा कटिंग वगैरह करने में, तो उसको मिला के हमको कितना स्टोन रिक्वायर्ड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल वॉल्यूम दिया उसमें 25% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे टू गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 25% एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ना कि हम 25% निकाल रहे हैं उस वॉल्यूम का। तो हम वॉल्यूम में 25% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, तो जो ये वाली स्टेप रहती है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आती है, तो उसको एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो जब भी आप सॉल्यूशन करो उसमें आपको देखिए 25% एक्स्ट्रा या कोई भी टर्म्स, जैसे 30 हो गया, 52 हो गया या 55 हो गया, अगर वहाँ पे लिखा है ऐड 25% एक्स्ट्रा, तो हमको क्या करना है उस वॉल्यूम का 25% एक्स्ट्रा हमको उसमें ऐड करना है उस वॉल्यूम के अंदर ही। तो हम अगर उस वॉल्यूम का 25% निकालेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या है 10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब का 25% कितना हो गया 2.5, और जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है 10 मीटर क्यूब है, तो उसमें 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। एक मेथड हो गई, और ये सिंपल मेथड क्या करेंगे सीधे 25% ऑफ वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे हमने पुट की, उसका हमने कॉमन निकाला इधर रखा, तो ये सिंपल मैथ से 25% प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 25% प्लस 1 कितना हो गया 1.25। तो 1.25 उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम का, अगर यहाँ पे 52 रहता तो यहाँ पे हो जाता 1.52, यहाँ पे 30 रहता तो यहाँ पे हो जाता 1.30, और यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगी वो वॉल्यूम की वैल्यू। तो हमें मिल जाएगा उस मटेरियल की क्वांटिटी, जब भी आपको बोले ऐड 25% एक्स्ट्रा या कोई भी परसेंट बोले ऐड करने का बोले, तो आपको इस टाइप से उसको करना है सीधे, जो भी परसेंट रहेगा उसमें क्या करना है 1. अगर यहाँ पे 52 रहा तो 1.52 हो जाएगा, और उसमें सीधे वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इजी पड़ेगा, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, पहले उसका उतना परसेंट निकालो फिर उसको वॉल्यूम ऐड करो, तो इससे क्या आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है 25% एक्स्ट्रा ऐड करना है जिससे कि हमको स्टोन की क्वांटिटी मिल जाए। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन या क्वांटिटी ऑफ स्टोन कितना है 1.25 × 10, कितना है 12.5। अगर हम 25% एक्स्ट्रा निकालते इसका तो कितना था 2.5, फिर उसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं 10, तो वैल्यू उतनी आती 12.5 मीटर क्यूब। यह आ गई हमारी स्टोन की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए सीमेंट और सैंड। तो सबसे पहले हमको कितना मोर्टार रिक्वायर्ड है ये देखेंगे। तो ब्रिक वर्क में हमको कितना रिक्वायर्ड रहता था 30%, लेकिन स्टोन मेसनरी में हमको कितना रिक्वायर्ड रहेगा 40 से 50% के बीच रहता है। तो हम कितना ले रहे हैं 40% ऑफ वॉल्यूम। तो 40% ऑफ वॉल्यूम यहाँ बोला हुआ है, यहाँ पे ऐड करने का नहीं बोला है, हमको क्या चाहिए जो हमारा टोटल वॉल्यूम दिया उसका 40%। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम लेना है, हमारा जो स्टोन मेसनरी का वर्क दिया है उसका वॉल्यूम लेना है, स्टोन का वॉल्यूम नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 मीटर क्यूब दिया हमको वॉल्यूम, तो 10 मीटर क्यूब का 40% कितना है 4 मीटर क्यूब। अब हमारे पास मोर्टार की क्वांटिटी है 4 मीटर क्यूब। अब 4 मीटर क्यूब में हमको कितना सीमेंट और कितना सैंड रिक्वायर्ड रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम आया मोर्टार का उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा रेशियो गिवन है सीमेंट मोर्टार का उसके सबमिशन से। तो हमारा सीमेंट मोर्टार का रेशियो कितना है 1:6, तो 1:6 का सबमिशन करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसके लिए हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है उसके रेशियो का। तो यहाँ पे सीमेंट के लिए क्या था 1 और सैंड के लिए क्या था 6, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी आई सीमेंट की 0.57 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी किस में आ रही मीटर क्यूब में, लेकिन हम सीमेंट किस में परचेस करते हैं बैग्स में, तो इसको जो मीटर क्यूब है उसको बैग्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने आए 16.42 बैग्स, तो हम इसको अप्रोक्स कितने बैग्स ले सकते हैं 17 बैग्स, तो हमारे पास कितने आए 17 बैग्स। तो इस वर्क में हमको कितने बैग्स रिक्वायर्ड रहेंगे 17 बैग्स। अब उसी तरह क्वांटिटी ऑफ सैंड इसी मेथड से जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार रहेगा उसको डिवाइड करेंगे जो हमारा रेशो है उसके सबमिशन से, और जिस मटेरियल के लिए हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी उसके रेशो का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैंड के लिए क्या था 6, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो सैंड का वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 3.42 क्यूबिक मीटर, यह आ गया हमारे पास सैंड। तो स्टोन हमको कितना रिक्वायर्ड है 12.5 मीटर क्यूब,
और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्या है 17 बैग्स, और क्वांटिटी ऑफ सैंड क्या है 3.42 मीटर क्यूब। ये आ गई हमारे पास इतनी क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, हम रेट एनालिसिस करेंगे पहले मटेरियल का, फिर इसमें कितने लेबर्स रिक्वायर्ड है उनके लिए हम रेट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल्स का। तो मटेरियल्स के लिए निकालते हैं हम रेट। तो रबल इंक्लूडिंग थ्रू स्टोन एंड वेस्टेज, तो जो हमारा स्टोन उसकी यूनिट क्या है मीटर क्यूब, क्वांटिटी कितनी है 12.5, उसका रेट क्या लेके चल रहे हैं 1200 पर मीटर क्यूब, 1200 पर मीटर क्यूब है। तो 12.5 मीटर क्यूब के लिए हमको कितना अमाउंट रिक्वायर रहेगा 15,000। तो आ गया हमारे पास 15,000 इसके लिए। उसी तरह सीमेंट उसकी यूनिट क्या है बैग्स में, कितने नंबर ऑफ बैग्स है हमारे पास 17, एक बैग का रेट क्या लेके चल रहे हैं हम 350 रुपीज़। तो 17 बैग्स को परचेस करने के लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा 5,950 रुपीज़। उसी तरह सेंड की यूनिट क्या है मीटर क्यूब, उसकी क्वांटिटी कितनी है 3.42 मीटर क्यूब, रेट क्या लेके चल रहे हैं 1000 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। तो 3.4 मीटर क्यूब के लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा 3,420 रुपीज़। और भी इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट निकालेंगे मटेरियल के लिए। तो इन तीनों का सबमिशन कर देंगे तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा मटेरियल परचेस करने के लिए वो कितना आएगा 24,370 रुपीज़। ये आ गया हमारा मटेरियल के लिए, इतना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। अब जो हमको लेबर्स रिक्वायर्ड रहेंगे ये वर्क करने के लिए, उनके लिए भी तो रेट एनालिसिस करना है हमको। तो अब उनका रेट एनालिसिस करेंगे हम कि हमको कितने लेबर्स रिक्वायर्ड है जो डिफरेंट वर्क होंगे उनके लिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हेड मेजर हमको रिक्वायर्ड होगा 1, मेजर रिक्वायर्ड होंगे हमको 2, मजदूर रिक्वायर्ड होंगे हमको 3, कूली रिक्वायर्ड होंगे हमको 3, भिष्टी हमको रिक्वायर्ड होंगे 2, और जो स्काफ फोल्डिंग रहेगा उसको हम लमसम लेके चल रहे हैं, और जो टू लेंस प्लांट रहेंगे उसको भी हम लमसम। तो हेड मेजर का रेट क्या है 400 रुपीज़ पर डे, और मेजन का 350 रुपीज़ पर डे, मजदूर का 200 रुपीज़ पर डे, कूली का 150 रुपीज़ पर डे, और भिष्टी का 250 रुपीज़ पर डे, और जो इसका फोल्डिंग उसका लेके चल रहे हैं 150 रुपीज़, और टूल्स एंड प्लांट का 100 रुपीज़। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा इन सभी के लिए वो कितना आएगा 2,900 रुपीज़, हमको इतना पे करना है लेबर्स को उस वर्क को करने के लिए। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा इस वर्क को पूरा करने के लिए मटेरियल प्लस लेबर्स, तो कितना आएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट 27,270 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं 1.5% वाटर चार्जेस ऐड करते हैं इस टोटल कॉस्ट का। तो वाटर चार्जेस हमको कितना रिक्वायर्ड है 409 रुपीज़ एंड 0.5 पैसेज, तो इसको हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं 410 रुपीज़। और उसके बाद क्या ऐड करते हैं हम 8-10% कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स का चार्ज या कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट रहेगा उसमें कितना ऐड करते हैं 10%। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसका 10% कितना आएगा 2,727 रुपीज़। अब इसके बाद क्या निकालते हैं पूरा ग्रैंड टोटल। तो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वाटर चार्जेस और जो हमारा टोटल कॉस्ट है उन तीनों का सबमिशन करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 30,407 रुपीज़। ये आगे हमको पूरे 10 मीटर क्यूब वर्क के लिए हमको कितना अमाउंट देना है 30,407 रुपीज़। लेकिन 1 मीटर क्यूब के लिए हमको कितना देना है, तो हम क्या करेंगे सीधे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम दिया रहता है उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर देना, तो हमको मिल जाएगा पर मीटर क्यूब का रेट। तो पर मीटर क्यूब का रेट क्या रहा है 3,040 रुपीज़ एंड 70 पैसेज, तो इसको अप्रॉक्स बोल सकते हैं हम 3,041 रुपीज़। तो यहाँ पे जो स्टोन मेजनरी होगी उसका 1 मीटर क्यूब वर्क करने के लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ रहा है 3,041 रुपीज़। तो इस टाइप से हम स्टोन मेजनरी का रेट एनालिसिस करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई स्टेप या कोई टर्म आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।